हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डेवलपमेंट क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के बारे में, शॉर्ट में जिसको DQA भी बोला जाता है। इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी रिक्वायरमेंट मुझे समय समय पर आ रही थी और बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये डिपार्टमेंट क्या होता है, जरा इसके बारे में बताइए। साथ ही साथ अगर हम इस डिपार्टमेंट में अगर हम काम करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में हमसे किस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियोस के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे कि अगर आप DQA डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें किस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ उनके आंसर्स भी आपको बताऊंगा। तो ज्यादा समय नहीं गंवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन होगा कि जरा इस डिपार्टमेंट के बारे में बताइए। DQA डिपार्टमेंट जो होता है, डेवलपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, इसका बेसिक वर्क क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर आपको ये देना है कि ये जो डिपार्टमेंट होता है इसका बेसिक काम होता है कि जब प्रोडक्शन होता है या प्रोडक्ट जो होता है वो अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है तो ये डिपार्टमेंट ये चीज़ को एश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है ये क्वालिटी जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साथ ही साथ प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस। इनका बेसिक वर्क यही होता है कि जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट फेज होता है, चाहे वो उसका प्रोसीजर हो या उसका प्रोसेस हो, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर और प्रोसेस के बीच में जब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये डिपार्टमेंट ये श्योर करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। साथ ही साथ सेफ्टी के ऊपर भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान होता है। अगला क्वेश्चन जो कि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपसे पूछा सकता है, काफी बेसिक क्वेश्चन है और कई बार ये पहला क्वेश्चन भी हो सकता है, क्वेश्चन ये होगा कि GMP क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस किसे कहते हैं। तो देखिए, GMP गाइडलाइन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होती है जिसको हर डिपार्टमेंट, खासकर ये डिपार्टमेंट भी फॉलो करता है। और इनका बेसिक वर्क होता है GMP फॉलो करने का कि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो स्टार्टिंग से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक मेंटेन रहे, 100% प्योर बनी रहे, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइन में जो क्वालिटी दी गई है उसी के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। और यहाँ पर GMP जो होती है वो प्रोडक्ट जब हमारा रॉ मटेरियल स्टेज में होता है, मतलब स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है प्रोडक्ट की, वहाँ से लेकर जब प्रोडक्ट फिनिश होता है, मतलब जब उसकी पूरी पैकेजिंग कंप्लीट हो जाती है, तब तक GMP गाइडलाइन जो होती है वो प्रोडक्ट को कवर करती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में प्रोडक्ट की सेफ्टी और उसके रिस्क असेसमेंट को भी GMP के द्वारा ही कवर किया जाता है। तो एक इजी वे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बेटा GMP के बारे में बताइए, तो आपको बस बेसिक यही आंसर देना है कि GMP गाइडलाइन जो होती है वो प्रोडक्ट में उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फॉलो की जाती है और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइन के हिसाब से जो हमको दी गई है, जो हमको स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और वो किसके थ्रू हो सकता है, GMP गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। अगला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू पूछा सकता है DQA से रिलेटेड, वो क्वेश्चन ये होगा कि इस डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। तो इसका आंसर आपको बहुत इजी वे में ये देना है कि देखिए, जब प्रोडक्ट का बनना स्टार्ट होता है, जब वो इनिशियल फेज में होता है, तभी से ही इस डिपार्टमेंट का रोल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हर फेज में ये डिपार्टमेंट जो होता है वो अपना रोल प्ले करता है। जैसे कि जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के, उनको यही डिपार्टमेंट अप्रूव करता है प्रॉपर चेकिंग करके। साथ ही साथ प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी वैलिडेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाएगा प्रोडक्ट को वैलिडेट करने के लिए, वो भी यही डिपार्टमेंट अप्रूव करता है। और यही डिपार्टमेंट वैलिडेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्रॉस चेक भी करता है। साथ ही साथ जब प्रोडक्ट पूरा एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसकी पूरा टेस्टिंग हो जाती है, तो उसके जितने भी रिजल्ट्स उसको मिल रहे हैं उन रिजल्ट्स को क्रॉस चेक करना और ये चेक करना कि जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से जो हमको स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं रिजल्ट हमको उसके हिसाब से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये प्रॉपर काम, ये प्रॉपर क्रॉस चेकिंग का जो काम होता है वो भी DQA डिपार्टमेंट ही करता है। साथ ही साथ जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है या जब प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपिंग स्टेज में भी है, चाहे वो R&D के अंदर हो और या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, या उसकी जब चेकिंग हो रही है QC के अंदर, तो समय समय पर प्रोडक्ट की डिपार्टमेंट में जाना, उनका ऑडिट करना, ये सारा काम भी यही डिपार्टमेंट देखता है। साथ ही साथ जब प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है तो उस समय प्रोडक्ट का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर स्टेज का अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये काम भी यही डिपार्टमेंट करता है। तो सीधे साधे शब्दों में बोला जाए तो प्रोडक्ट का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी प्रोसेस हो रही है उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसको प्रॉपर वे में यही लोग देखते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन भी यही करते हैं, जितनी भी स्टेप्स यूज़ की जा रही हैं, चाहे वो वैलिडेशन से हो, प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हों, या समय समय पर उसका ऑडिट करना हो डिपार्टमेंट का, ये सारा काम जो होता है वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा
किया जाता है। अगला क्वेश्चन और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, बट ये क्वेश्चन इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन होगा QMS रिलेटेड, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS। इसका क्या मतलब होता है, इनका रोल क्या होता है, जरा इसके बारे में बताइए। तो देखिए QMS अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है QA का, और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और मैनेजमेंट दोनों वर्ड यहाँ पर समझ में आने चाहिए। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट का बेसिक काम होता है कि ये एक फॉर्मलाइज सिस्टम होता है। बेसिकली इनका काम होता है डॉक्यूमेंटेशन करना, जितनी भी प्रोसेस या प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं उन सभी का प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करने का काम क्या होता है, इसी डिपार्टमेंट का होता है। और दूसरी चीज, इस डिपार्टमेंट का एक बेसिक वर्क ये भी है कि जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या जो भी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज की जा रही है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, QC डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो फार्मा इंडस्ट्री का, वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलनी चाहिए। रेगुलेटरी गाइडलाइन सीधे साधे शब्दों में बोले तो CGMP को फॉलो की जानी चाहिए। ये काम और इसको इंश्योर कराने का काम भी QMS डिपार्टमेंट का ही होता है। और ये जो QMS का अगर हम बेसिक वर्क सोचें कि ये सब क्यों किया जा रहा है, इसका एक ही लक्ष्य है कि जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर्ड करें वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से ही डेवलप्ड हो, जो भी उस पर स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं क्वालिटी के, उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, हमारा प्रोडक्ट इफेक्टिव हो, सेफ हो। साथ ही साथ ये डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का और डायरेक्ट करने का भी काम करते हैं, मतलब प्रोडक्ट पूरे डिपार्टमेंट को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करना, उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना कि हम कैसे हमारे टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, क्या क्या हमको अपना वर्क कल्चर फॉलो करना होगा, क्या क्या हमको चेंजेस करने होंगे, अगर रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर कोई चेंजेस आ गए हैं तो उससे रिलेटेड भी डिपार्टमेंट्स को ट्रेन करना, ये सारा काम जो होता है वो QMS के अंतर्गत ही आता है। तो अपने आप में देखें तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, जिसका बेसिक काम तो डॉक्यूमेंटेशन करना है, बट यही डॉक्यूमेंटेशन आगे चल के प्रोडक्ट की क्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे QMS से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, बेसिक काम क्या होता है, या ये भी बोल सकते हैं कि इनके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू आप ये भी समझ जाएंगे कि QMS काम क्या करता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर मोटे मोटे शब्दों में बोला जाए तो QMS जो होता है वो 5 बेसिक वर्क करता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत रहते हुए, और ये काम होते हैं क्वालिटी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि इनका बेसिक वर्क यही होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना, उससे रिलेटेड अगर कोई पॉलिसीज बनानी हो, कोई गाइडलाइंस बनानी हो, कोई नए प्रोसीजर्स बनाने हो, कोई नया एक्शन लेना हो, ये सारा काम जो होता है वो QMS के अंतर्गत ही आता है। मतलब लेने देने का मतलब ये है कि हमको अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत आ रही है कि यार प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं आ रही है जो कि रेगुलेटरी गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हमको लग नहीं रहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन हो पा रही है, तो इस डिपार्टमेंट के पास इतना पावर होता है कि अपने हिसाब से पॉलिसीज बना सकता है कि हमको ये चेंजेस करने होंगे और इस तरीके से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधार सकते हैं। वो चेंजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे तो वो नई प्रोडक्शन मेथड डेवलप करें, चाहे वो नई QC मेथड डेवलप करें, नई पैकेजिंग लाए, नए लोगों को, पुराने लोगों को निकाल के नए लोगों को लाए, लोगों को ट्रेंड करना हो, ये सारी पॉलिसीज जो है वो QMS के लोगों के पास होती है। उसके बाद जो अगला इनका बेसिक वर्क होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करना। देखिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन होता है, चाहे वो QC के अंदर जितने भी टेस्ट लग रहे हों उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रोडक्शन के अंदर कोई भी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा हो, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होता है। इन डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो समय पे बन जाए। समय पे बनने का मतलब है कि जब प्रोसेस हो उसी समय वो डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, ऐसा नहीं प्रोसेस आज हुई है और उसका डॉक्यूमेंट जो है वो 2 दिन बाद बन रहा है, ऐसा नहीं, उसी दिन बने। और अगर आपसे आज ही आपने प्रोसेस करी है और अगर आज ही मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, एग्जांपल कोई भी डिपार्टमेंट वो डॉक्यूमेंट मंगवा लेता है, तो ये जवाबदारी QMS की है कि वो डॉक्यूमेंट्स को उसी समय बनवाए और अवेलेबल करवाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। साथ ही साथ उसको कंट्रोल कराना, मतलब डॉक्यूमेंट बन गया है उसको सील साइन करवाना, उसको रीचेक करवाना, क्रॉस चेक कराना, अगर उसके अंदर कोई गलती है तो उसको ठीक कराना, ये सारा काम जो है वो QMS देखता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर इस डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी आगे भी डिस्कशन किया था कि अगर हमको कुछ चेंज करना है किसी भी चीज़ के अंदर, प्रोडक्शन मेथड के अंदर कोई चेंज करना है, QC के अंदर कोई टेस्टिंग मेथड है उसको अगर हमको चेंज करना है, नया इंस्ट्रूमेंट लाना है, कुछ भी अगर चेंज करना है, या किसी प्रोटोकॉल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग मेथड के अंदर हमको कोई चेंज करना है, तो इस डिपार्टमेंट के पास वो पावर होता है कि वो उसको चेंज करते हैं। बट हमेशा इनका प्राइमरी टारगेट यही होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर जरा सा भी अंतर नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा 100% मेंटेन रहनी चाहिए,
उसके लिए ये अगर इनको चेंज कंट्रोल करना पड़े तो वो भी ये करेंगे। और अगला काम भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कापा लेना, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना। ये कापा लेने का पावर भी इन्हीं के पास होता है। कापा का मतलब भी चेंज कंट्रोल की तरह ही है, बट इसमें यही होता है कि अगर आपने किसी प्रोसेस के अंदर कोई चेंज किया है तो उसको हम बोलते हैं करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारने के लिए किसी भी मेथड के अंदर आपने कोई चेंजेस किए हैं, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल मेथड हो या प्रोडक्शन की कोई मेथड हो या आपने कोई इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है, किसी प्रोटोकॉल्स के अंदर आप कोई चेंज कर रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड कापा लेना। और ये काम भी QMS के अंतर्गत ही आता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो आजकल जब डाटा इंटीग्रिटी के इशू आने लग गए थे तब ये मेथड को यूज़ किया जाने लगा, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बार बार ट्रेनिंग देने के बाद भी, समझाने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं और ना ही वो अपने वर्किंग कल्चर के अंदर चेंजेस लाते हैं। ये प्रोडक्शन के अंदर भी देखा जाता है, ये QC के अंदर भी देखा जाता है। तो इसको सुधारने के लिए QMS डिपार्टमेंट समय समय पर इंटरनल ऑडिट करता है। इंटरनल ऑडिट का मतलब ये है कि QMS के लोग जो होते हैं वो बिना बताए QC के अंदर चले जाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ पर वर्किंग कैसी हो रही है। अगर वहाँ पर उनको जरा सी भी कोई पर्सन या कोई भी बंदा जो वहाँ काम कर रहा है वहाँ पर कोई गलत प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन वो काम नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, डेविएशन कर रहा है, तो वहाँ पर उस पर्सन के अगेंस्ट वो एक्शन भी लेते हैं। एक्शन जो होगा वो किसी तरह का भी हो सकता है, उसका मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर वो बार बार समझाने के बाद भी सुधर नहीं रहा है और उसने कोई ऐसा बड़ा डेविएशन करा है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। ये इंटरनल ऑडिट्स कभी भी हो सकते हैं, मैंने तो रात को होते हुए भी देखे हैं। कई बार वो रात की 11 बजे 12 बजे भी चले जाते हैं चेकिंग करने के लिए, दिन में तो रहते ही रहते हैं। कई बार तो ये इंटरनल ऑडिट रेगुलर होता है, मतलब कंटिन्यूसली QMS के लोग या QA के लोग जो हैं वो डिपार्टमेंट विजिट करते रहते हैं और इंटरनल ऑडिट होता रहता है और वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो ये इंटरनल ऑडिट के डर से जो लोग काम अपने हिसाब से करते हैं वो फिर सुधर जाते हैं और सही काम करने लग जाते हैं। तो इंटरनल ऑडिट करने का पावर भी QMS के पास होता है। अगला क्वेश्चन जो कि DQ डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपसे पूछा सकता है, क्वेश्चन ये होगा कि वैलिडेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो इसका जवाब आपको ये देना है, देखिए वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि वैलिडेशन इसलिए किया जाता है कि फार्म इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोसेस यूज़ हो रही हैं, जितनी भी मेथड्स यूज़ हो रही हैं या सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, इनके यूज़ करते हुए जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया गया है उसके हिसाब से है। वैलिडेशन ये कंफर्म करता है कि फार्म इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही डेवलप हो रहा है और मेंटेन हो रहा है। क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब है जितनी भी हमारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उन्होंने जो क्वालिटी के जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उसी के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है और हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ये कौन कन्फर्म कर रहा है? ये वैलिडेशन के थ्रू कन्फर्म हो रहा है। देखिए थोड़ा सा जब वैलिडेशन से रिलेटेड जब डिस्कशन होगा तो अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैलिडेशन कितने टाइप का होता है, जरा इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक आंसर देना है, क्योंकि वैलिडेशन एक अपने आप में बहुत प्रोसेस बहुत लंबी है और इसका आंसर काफ़ी लंबा हो सकता है, तो आपको इसमें शॉर्ट में आंसर देना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि वैलिडेशन से रिलेटेड मेरे काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं, यहाँ पर मैं भी आपको जो वैलिडेशन के बारे में बताऊंगा ना उनके ऊपर मेरे सेपरेट वीडियोस है, तो वो देख के भी आप वैलिडेशन के बारे में जान सकते हैं। यही नहीं, वैलिडेशन से रिलेटेड इंटरव्यूज में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर भी मेरा वीडियो आ चुका है, तो वो वीडियो देख के आप वैलिडेशन से रिलेटेड इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपसे वो DQS इंटरव्यू में अगर DQS रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैलिडेशन के बारे में कि वैलिडेशन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताइए, तो इसका जवाब आपको ये देना है, आपको यहाँ पर चार वैलिडेशन के बारे में बात करनी है। तो इसमें पहला वैलिडेशन होगा प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि इस वैलिडेशन से हम ये कन्फर्म करते हैं कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोसेस यूज की जा रही हैं वो प्रोसेस उन प्रोसेस से जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से बताए गए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहा है या टच कर रहा है। अगला आप बता सकते हैं एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। तो देखिए एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करने से ये कन्फर्म होता है कि जितनी भी एनालिटिकल मेथड्स हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं उनके सभी के सभी मेथड्स जो हैं वो रिलायबल है, साथ ही साथ उनके सभी रिजल्ट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूसेबल भी हैं, साथ ही साथ ये मेथड्स जो हैं वो एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। अगला वैलिडेशन आप बता सकते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन। क्लीनिंग वैलिडेशन से हम ये कन्फर्म करते हैं कि इस क्लीनिंग मेथड्स को यूज़ करने से
हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर किसी भी तरीके के रेसिड्यूस नहीं मिलेंगे हमको, किसी भी तरीके का कंटामिनेशन हमको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी किसी भी तरीके का कंटामिनेशन या इंप्योरिटी हमको नहीं मिलेगी जो कि क्लीनिंग की वजह से प्रोडक्ट के अंदर इंटर हो। और ये हमको कब कंफर्म होता है? क्लीनिंग वैलिडेशन से। उसके बाद जो अगला वैलिडेशन होता है वो होता है कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन। ये वैलिडेशन परफॉर्म करने से हमको ये कंफर्म होता है कि जितने भी कंप्यूटराइज सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो भी हम इंडस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं वो रिलायबल भी है और वो जो फंक्शनिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं।